हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया हुआ आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जरा देख लीजिए। दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। देखिए ऊपर जरा साइन थीटा कॉमन है और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है। तो ऊपर से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। जब आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से साइन थीटा निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो नहीं भाई, 1 बचता है, याद रखना ये बात। जब पूरी की पूरी टर्म निकल जाती है तो यहाँ देखिए साइन क्यूब था, देखिए पहले तो बचेगा 2, साइन क्यूब था, जब एक निकल गया तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ले लिया कॉमन, क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस का कॉस पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, 1। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि अगर कहीं पर भी मुझे 1 दिखा और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा विल बी एज इट इज़। 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, किसमें आएगा, ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर देखिए, साइन ओवर कॉस ये तो हो गया जी 10 थीटा। अब आ जाओ ऊपर, यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा था, अगर एक निकल गया, सही से देखो, 1x माइनस 2x आपको क्या देगा, माइनस x देगा या नहीं देगा। इसी तरीके से 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कुछ नहीं है तो क्या है, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कॉस विल बी एज इट इज, कॉस में कुछ भी नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए जरा, डिनोमिनेटर में देखिए, इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, अभी क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा यहां पर आ जाएगा 10 थीटा, यहां पर देखिए कुछ भी नहीं करना आप, ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए जरा 2 कॉस में से 1 कॉस निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 कॉस, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और लग जाएगा, और यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और यहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा था वो तो बचे गए। अब जरा देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम, क्या बचा, 10 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इन क्वेश्चंस की अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर ली तो आपके बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर में हो या आरडी शर्मा में हो, उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी करनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। बाकी अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका 8th पार्ट देखेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।